feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये है मेरे पास 2024 की लेटेस्ट मॉडल जावा 42 का इन्फिनिटी ब्लैक डीटी कलर। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोग ब्लैक कलर के लवर हैं तो आई एम श्योर ये वीडियो, ये बाइक आपको काफी पसंद आने वाले है, क्योंकि इस बाइक में पूरी तरीके से ब्लैक कलर का यूज किया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2024 में इस बाइक में आपको बहुत सारे नए चेंजेस मिलते हैं। प्राइस ड्रॉप हो चुका है, बहुत सारे नए चेंजेस हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि जावा 42 के 2024 मॉडल में आपको क्या क्या बदलाव मिलते हैं, क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस देखने को मिल जाती है कम होने के बाद। तो गाइस, अगर आप लोग जावा बाइक के लवर हैं, आप लोग जावा 42 को 2024 में लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चलेगा मैं तो चलेगा, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो इसमें आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है इन्फिनिटी ब्लैक कलर है। तो अगर आप लोग ब्लैक कलर के लवर हैं तो आई एम श्योर ये कलर आपको काफी पसंद आएगा। तो अब आप लोग बताना कि ये जो लुक है ना, ये जो ग्राफिक्स मिल रही है, जो नए कलर ऑप्शन मिलते हैं, आप लोग कैसे लग रहे हैं, ये स्पेशली ब्लैक कलर आपको कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो आपको बता दें कि पहले इसकी जो प्राइस थी ना, वो लगभग 2 लाख आपको इसकी एक्सोन प्राइस पड़ती थी, लेकिन अब इसकी जो कीमत है 2000 रुपए कम हो चुकी है 2024 में। तो अब इसकी जो एक्सोन प्राइस है वो है 1,98,000 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, और जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा वो लगभग आपको पड़ेगा 2,35,000 to 2,38,000 के बीच में। तो गाइस, ये तो इस बाइक के एक्सोन प्राइस की बात, इसके ऑनरोड प्राइस की बात जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले फ्रंट में आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस कलर के साथ इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस टाइप भी आता है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग गौर कर पा रहे होंगे तो हेडलैम्प जो है ना, वही सेम आपको 60/55 वाट का हैलोजन बल्ब मिलता है। यहाँ पे आपको नीचे आपको पार्किंग लाइट देखने मिल जाती है। फ्रंट में आप देख सकते हैं हेडलैम्प को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिल देखने मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। टर्न इंडिकेटर थोड़ा चेंज मिलेगा, क्योंकि पहले आपको येलो ग्लास मिलता था, आपको क्लियर ग्लास देखने को मिल जाती है, लेकिन बल्ब मिलती है। तो गाइस, फ्रंट में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलता है, वही सेम आपको पहले वाला लुक देखने को मिल जाती है। तो अब आप लोग बताना कि फ्रंट प्रोफाइल आप लोग कैसी लग रही है इन्फिनिटी ब्लैक डीटी कलर के साथ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा ना, वॉक मिलता है टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिल जाता है, जिसमें आपको 35mm का फोर्क देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे येलो कलर का रिफ्लेक्टर बाइबर का डिस्क, जो कि काफी बेहतरीन माना जाता है। और यहाँ पे देखेंगे फ्रंट जो डिस्क मिलेगा, वॉक मिलता है फ्लूटिंग कैलिपर का डिस्क का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी साइज 280mm का डिस्क के बीच में देखिए एबीसी की चेन लगाई गई है। और यहाँ पे देखेंगे जो फ्रंट टायर मिलता है, वॉक मिलता है 90/90 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है अलाविल के साथ। अलाविल आपको वही पहले वाला मिलता है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको क्लासिक लेजेंड 42 का बैचिंग देखने को मिल रही है। तो गाइस, जो टायर साइज है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वही पहले वाला रखा गया है। लेकिन साइड प्रोफाइल से आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे साइड से इस बाइक का जो लुक है ना, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है ना, पहले से चेंज हो चुकी है। और हैंडल बार पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो सबसे बड़ा डिफरेंट मिलता है, जो पहले जो साइड मिरर मिलता था ना, यहाँ पे मिलता था हैंडल बार में, लेकिन अब जो साइड मिरर मिलता है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये वाला साइड मिरर अच्छा लग रहा है, फिर पहले वाला साइड मिरर अच्छा था, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और यहाँ पे देखेंगे लो बीम हाई बीम साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच, पासिंग स्विच मिल जाता है, ये 4 स्विच मिलते हैं जिससे मीटर कंसोल को कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से ही। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन का स्विच, हैजार्ड लाइट, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रही है। मीटर कंसोल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मीटर कंसोल थोड़ा सा राइट साइड में प्लेस है, लेकिन मीटर कंसोल जो है वही पहले वाला फुल्ली डिस्टर्बेड कंसोल मिल जाता है। जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं वो भी आपको पहले वाले देखने को मिल रहा है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी इग्निशन ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन नहीं है, सॉरी उसके लिए। लेकिन मीटर कंसोल में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता, आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हैंडल बार जो मिलता है, आपको सिंगल हैंडल बार मिल जाती है, जो कि आपको कुछ टाइम मिल जाती है। तो हैंडलिंग जो मिलेगा ना, आपको पहले बार मिलती है, जो कि काफी कंफर्टेबल मिलेगी। और यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक पे आते हैं तो मैट ब्लैक कलर में आपको फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पे आपको सिल्वर के ग्राफिक के साथ 42 के स्टिकर मिल जाते हैं। क्रोम में आपको जावा 42 लेजेंडरी का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कहते हैं फ्यूल टैंक का कैप मिलता है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। साइड में आप देख सकते हैं जावा का स्टिकर मिल जाता है व्हाइट कलर में। लेकिन अगर आप साइड में देखेंगे तो इसका जो डिजाइन है ना, पहले कुछ इस टाइप में मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा कर्व हो चुका है। इसमें आपको थाई पैड जैसे लगाते हैं ना, उस टाइप में डिजाइन मिल जाता है, ग्राफिक्स मिल जाती है। तो अब इसमें आपको जो थाई होगा ना, काफी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब इसमें आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी ना फ्यूल टैंक में, काफी बेहतरीन देखने मिल जाती है पुराने मॉडल से। फ्यूल टैंक कैप्सूल मिलती है, वो मिलती है 12.5 लीटर की। और अब बात करते हैं इसके थोड़े से इंजन के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो गाइस, इस बाइक का जो इंजन मिलता है, वॉक मिलता है 294.72 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल DOHC इंजन देखने मिल जाता है, जो कि आपको BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है। OBD2 सेंसर देखने मिल जाते हैं, और साथ ही साथ जो मैक्स पावर मिलेगा वॉक मिलता है 27.32 PS का। मैक्स टॉर्क जो मिलेगा वॉक मिलता है 26.84 Nm का। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, 76mm का बोर, 65mm का स्टॉक देखने मिल जाता है, ट्विन एग्जॉस्ट मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल जावा 9029 का बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस, जो इंजन है वही पहले वाला रखा गया, जो कि 2023 में नए अपडेट के साथ आई थी BS6 फेज
स्पेस टू इंजन के साथ। और यहाँ पे देखेंगे साइड बॉक्स में देखेंगे जावा 42 का नया स्टिकर, नया ग्राफिक्स देखने को मिल रही है। और अगर हम आते हैं इसके सीट के ऊपर तो यहाँ पे देखेंगे इस बाइक का जो सीट है ना डिजाइन वही मिलता है, लेकिन हाँ अगर आप इसे टच करेंगे या फिर इस पे बैठ के राइड करेंगे तो आपको फील होगा कि पुराने वाले मॉडल से इसका जो सीट की जो कुशनिंग है ना पहले से सॉफ्ट हो चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पे अगर हम जैसे देखेंगे मेरे उंगली देखेंगे काफी अच्छे से हम फील कर पा रहे होंगे कि इसकी जो सीट की कुशनिंग है ना पहले से बेहतरीन हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे पिलियन कैबिन मिल जाती है, जो चैन मिलेगा आपको लो मेंटेनेंस हाफ कवर चैन मिल जाती है, जिसे अगर आप लोग टाइम टू टाइम चैन लूप चैन क्लीन करते रहेंगे तो चैन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम आते हैं इसके रियर प्रोफाइल से तो यहाँ पे देखेंगे सीट के ऊपर आप देख सकते हैं जावा का स्टिकर मिल जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे ध्यान से आप देखेंगे तो इसका जो रियर फेंडर मिलता है ना कुछ छोटा हो चुका है, टेल लाइट ऊपर हो चुकी है, पहले जो है ना थोड़ा सा नीचे तक मिलता था लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, तो टेल लाइट का डिजाइन वही रखा गया लेकिन थोड़ी सी ऊपर प्लेस कर दी गई है। तो अब आप लोग बताना कि जो इसका जो रियर प्रोफाइल है नए टेल लाइट के डिजाइन के बाद वो आप लोग कैसा लग रहा है। रियर सेक्शन की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे देखेंगे जो रियर सस्पेंशन मिलता है वॉक मिलता है ट्विन शॉक एब्जॉर्ब गैस फिल्ड विद एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको प्री लोडेड एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। जो रियर ब्रेक मिलता है वॉक मिलता है फ्लोटिंग कैलिपर का डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी साइज 240 में डिस्प्ले के बीच में देखिए एबीसी की चेन लगाई गई है क्योंकि ये डुअल चेन एबीसी के साथ आती है। जो रियर टायर मिलेगा वो मिलता है 120/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है। इधर भी आपको एग्जॉस्ट मिलता है क्योंकि ये ट्विन एग्जॉस्ट के साथ आती है। यहाँ पर देख सकते हैं जावा 42 का नया स्टिकर, नया ग्राफिक्स देखने को मिल रही है। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन, अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इस बाइक का जो कर वेट है वो मिलता है 182 केजी की। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो कि मैंने बता दिया जो कि 12.5 लीटर की। व्हील बेस जो मिलेगा वॉक मिलता है 1369 एमएम का। सीट हाइट जो मिलेगी वॉक मिलते हैं 788 एमएम का। तो गाइस ये थे न्यू 2024 के जावा 42 के फीचर स्पेसिफिकेशन, इसके प्राइस जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप लोग बताना कि ये जो इन्फिनिटी ब्लैक डीटी कलर है आप लोग कैसी लग रही है नए लुक के साथ, नए डिजाइन के साथ जावा 42 का 2024 मॉडल, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, कलर अच्छा लगा तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के ध्यान रखिए, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।